तो ये होती है दुरंतो एक्सप्रेस की ओरिजिनल लिवरी, और फिलहाल अभी तो सिर्फ एक ही कोच से मुझे देखने को मिला है, और वो भी A3 यानी कि ये सेकंड AC का कोच है। और ये रहा हमारा कोच जिसमें आज हम ट्रैवल करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ संदीप और आप देख रहे हैं रेल ज्ञान कोच। तो फिलहाल मैं हूँ अभी सियालदह में, और आपने देख लिया होगा इंट्रो कि आज हम ट्रैवल करने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल दुरंतो एक्सप्रेस में, और ये है ट्रेन नंबर 12259 सियालदह बीकानेर दुरंतो एक्सप्रेस। पहले ये ट्रेन जो थी वो सिर्फ नई दिल्ली तक चलती थी, लेकिन अब ये ट्रेन जो है वो राजस्थान के बीकानेर तक जाती है। तो बहुत ही लंबी जर्नी होने वाली है, तो जर्नी शुरू करने से पहले आप ये रूट मैप जो है वो देख लें कि हमारी ट्रेन जो है वो किस रूट से जाने वाली है और कितना समय जो है वो हमें लगने वाला है बीकानेर पहुँचने में। तो आज की जर्नी स्पेशल है क्योंकि आज दुरंतो एक्सप्रेस में हम सियालदह से धनबाद, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, कानपुर, नई दिल्ली होते हुए चूरू के रास्ते बीकानेर तक जाएंगे और टोटल 1920 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। तो चलिए इस यात्रा की कुछ झलकियां देख लेते हैं। तो ये रहा अपना कूप जिसमें हम बीकानेर तक यात्रा करने वाले हैं, और सबसे अच्छी बात ये है ये कंबल रखा हुआ है पर बेडशीट नहीं दिख रही मुझे। चलो वो तो मिल जाएगी, पर अच्छी बात ये है कि मिलना शुरू हो गया है तो आपको अलग से बेडशीट और पिलो जो है वो कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये है फर्स्ट क्लास, बहुत ही सिंपल, बहुत ही क्लीन लुक है, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं दिखाने को। और बात करें इस दुरंतो एक्सप्रेस की ना, तो ये बहुत ही सिंपल लग रही है मुझे, कोई भी यहाँ पे पेंटिंग कुछ नहीं दिख रहा मुझे, बिल्कुल क्लीन है। कई राजधानी में मैंने कई प्रीमियम ट्रेन में देखे हैं कि कुछ नहीं थे यहाँ पे, कुछ फूल वूल लगे होते हैं, वो भी कुछ नहीं लगा यहाँ पे, बिल्कुल क्लीन और सिंपल लुक है इसका। बाकी बात करें हमारी इस दुरंतो एक्सप्रेस की, तो इसको करीब 5 बजे यहाँ से निकलना होता है, यानी कि सियालदह से ट्रेन निकलती है, और अभी वक्त हो चुका है करीब 4:55। तो 5 मिनट में हमारा डिपार्चर जो है वो यहाँ से होने वाला है। बाकी इस दुरंतो एक्सप्रेस के बारे में बहुत सारी बातें करनी हैं आपसे, पर उससे पहले डिपार्चर जो है वो आप देखिए। तो बिल्कुल ऑन टाइम अपना डिपार्चर सियालदह रेलवे स्टेशन से हो चुका है। वैसे मौसम तो बहुत ही बढ़िया है, बिल्कुल धूप नहीं निकली है, बारिश होने की संभावनाएं जो है वो हो सकती है, लेकिन मौसम में गर्माहट अभी बहुत ही ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ऐसे ही मैं कमेंट्स पढ़ रहा था तो मुझे कई लोगों ने कमेंट किया था कि आप अपने टिकट है ना वो किस एप्लीकेशन से बुक करते हो, कौन सा एप्लीकेशन आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो। मैं आपको बता दूं कि ट्रेनमेन ऐप जो है ना वो मैं अपने पास रखता हूँ, और रखने के बहुत सारे कारण भी है। वो ये कि सबसे पहली चीज़ ये कि ट्रेनमेन ऐप बहुत ही सिंपल है, ईजी टू यूज़ है, और टिकट बुकिंग में बहुत ही सहूलियत मिलती है, मतलब कोई भी आराम से जिसको पता भी ना हो ना वो भी इसमें आराम से टिकट बुकिंग कर सकता है। और सबसे बेस्ट चीज़ जो और प्लेटफॉर्म्स हैं टिकट बुकिंग के उनकी तुलना में ना इसमें आपको कम पैसे पे करने होते हैं, मतलब इनके चार्जेस थोड़े कम होते हैं, इसलिए मुझे ये एप्लीकेशन बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मुझे बहुत सारे टिकट बुक करने होते हैं तो मेरी अच्छी खासी सेविंग जो है वो हो जाती है। और एक और चीज़ है कि टिकट बुकिंग के अलावा ये ऐप मेरे ट्रेन ट्रैवलिंग में काम आता है, मतलब अगर मेरे पास डेटा नहीं है, फिर नेटवर्क नहीं है, तो ही बड़ी आसानी से अपनी ट्रेन को ट्रैक कर सकता हूँ। तो ये फ़ीचर मुझे बहुत अच्छा लगता है, और सबसे बेस्ट फीचर मुझे इस ऐप का ये लगता है कि इसका जो PNR प्रेडिक्शन है ना वो 94% एक्यूरेट है, मतलब आप आराम से इसमें देख सकते हो कि आपकी जो टिकट है वो कंफर्म होने के चांसेस उसका कितने हैं। तो ये चीज़ बहुत ही बेस्ट लगती है, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो हैं वो भी इसी ऐप का यूज़ करते हैं PNR प्रेडिक्शन के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होता है। तो इन सारी चीज़ों को मिला दें अगर तो एक ऐप में आपको बहुत कुछ मिल जाता है, और इसीलिए मैं सिर्फ यही सिंगल ऐप रखता हूँ अपने फ़ोन में, और ट्रेन जर्नी के दौरान मैं इसी ऐप का इस्तेमाल करता हूँ। और अगर आप भी चाहो तो ट्रेनमेन ऐप को
मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हो, और डाउनलोड करने के बाद मेरा कूपन कोड ज्ञानकोश जरूर से यूज़ करना। उससे होगा ये कि आपको 100 रुपीज़ मिल जाएंगे आपके वॉलेट में, जिसका यूज़ आप कर सकते हो अपने ट्रेन टिकट बुकिंग में। तो फिर देर किस बात की, डाउनलोड करिए ट्रेन में आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से, और अपनी जर्नी को स्मूथ और कंफर्टेबल बनाइए। और जैसे ही हम सीट पे आए, हमारे लिए 2 पानी की बॉटल और 1 कप जो है वो रखी हुई मिली। तो कोई भी प्रीमियम ट्रेन में अगर आप सफ़र कर रहे हो, सबसे पहले आपको पानी की बॉटल जो है ना वो मिल जाती है। लेकिन एक चीज़ है कि इस ट्रेन में आपको सिर्फ एक ही पानी की बॉटल मिलेगी 24 घंटे के लिए। अगर आपको एक्स्ट्रा बॉटल चाहिए तो आपको अलग से पे करना पड़ेगा इसके लिए। दक्षिणेश्वर टेम्पल के बाद तुरंत जो इवनिंग स्नैक्स है वो सर्व हो जाता है, जो कि आपको पता ही होगा कि हर प्रीमियम ट्रेन में आपको मिल जाता है। अब इसमें सारे जो पैक्ड आइटम्स है वो तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, बाकी देखो सारे पैक्ड आइटम्स मिलते हैं। आलमंड्स जो कि बहुत ही कॉमन चीज़ है, और ये सोहन केक, ये भी बहुत ही कॉमन है। यहाँ पे आई थिंक ये सैंडविच है, ये सैंडविच ही है। बहुत ही सिंपल सैंडविच है ये, कुछ और दिया है यहाँ से। सैंडविच तो ओके ओके है, बाकी अब ये खस्ता कचौरियाँ जो है ये भी ट्राई कर लेते हैं। इतनी खस्ती है कि टूट नहीं रही है कचौरी। खस्ती ज़रूर से है लेकिन टेस्टी नहीं है, मतलब स्वाद नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ चाय बनाने की जो निंजा टेक्निक है वो ये है कि टी बैग आपको मिल जाता है, जिसमें सिर्फ आपको एक ही क्रीमर मिलेगा। लेकिन हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा क्रीमर जो है वो मंगाया हुआ है, तो 2 पैकेट क्रीमर जो है वो हम इसमें डालेंगे। शक्कर जो है सिर्फ एक ही पैकेट डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा मीठी चाय नहीं पीनी होती है। टी बैग जो है वो 2 टी बैग हम डाल देंगे, ताकि चाय का स्वाद जो है ना वो थोड़ा सा निखर के आए। और ये सब करने के बाद थोड़ा सा पानी जो है वो मिला देते हैं। पानी बहुत ही गर्म है, इतना पानी काफ़ी है। अब ऐसे में ये जो चाय बनेगी ना वो नॉर्मल टी से काफ़ी अच्छी और काफ़ी बढ़िया होगी। इवनिंग टी तो हो चुका है, बाकी हमारी ट्रेन जो है वो कंटिन्यूस 130 की रफ्तार में चलती जा रही है। और एक और चीज़ है, जब इतनी रफ्तार में ट्रेन चलती है ना, तो जाहिर तौर पे प्रायोरिटी तो उसको मिल रही होती है। और आगे जो ट्रेनें होती हैं, जो नॉर्मल सुपरफास्ट ट्रेनें होती हैं, उनके तो शामत आती है, मतलब उनको तो ओवरटेक करना बनता ही है। तो फिलहाल अभी हमारी ट्रेन जो है वो ट्रेन नंबर 13045 मयूराक्षी एक्सप्रेस को जो है वो ओवरटेक करने वाली है। देखते हैं कि वो ओवरटेक कहाँ पर होता है। वैसे मोस्ट प्रॉबली हो सकता है कि जो ओवरटेक हो वो बर्धमान के पास में हो। हमारी ट्रेन का हॉल्ट जो है वो बर्धमान में नहीं है, सीधा हमारी ट्रेन जो है ना वो धनबाद में रुकने वाली है। इवन दुर्गापुर जो है वो भी हम एकदम हाई स्पीड में स्किप करने वाले हैं। तो यहाँ पे ऐसा लगा जैसे कि मयूराक्षी एक्सप्रेस का ओवरटेक हुआ, पर ये तो शायद से विश्व भारती फास्ट पैसेंजर थी LHP रेक के साथ। फिर जैसे ही हम वर्धमान पहुंचे, वहां दूर दूसरे प्लेटफॉर्म पे मयूराक्षी एक्सप्रेस खड़ी मिली। और वर्धमान से निकलने के बाद एक दूसरे स्टेशन पे ये कोई ट्रेन खड़ी थी, जिसको बहुत तेज गति में हमने ओवरटेक किया। पहले लगा कि ये मैथिली एक्सप्रेस हो सकती है, पर सच बोले तो वो कौन सी ट्रेन थी ये ट्रैक नहीं कर पाया मैं। और फिलहाल अभी हम स्किप कर रहे हैं दुर्गापुर रेलवे स्टेशन को। तो इतने सारे ओवरटेक्स और स्किप के बाद फाइनली सूप जो है वो मिल चुका है। और ये देखते हैं कौन सा सूप है, ये तो कौन सूप लग रहा है। बाकी कम से कम अच्छा है कि वो जो नॉर्थ के सूप होते हैं ना, जिनको देखकर के बस फॉर्मेलिटी पूरी होती है, उनसे तो काफ़ी अच्छा है ये। चलिए
अब शायद सूप का टेस्ट जो है वो थोड़ा और अच्छा लगे, अब काफ़ी अच्छा है। तो अभी जो है हमारी ट्रेन एक और बड़े और महत्वपूर्ण स्टेशन को स्किप करने वाली है, और शायद आप लोग समझ चुके होंगे कि कौन सा स्टेशन है। जी हाँ बिल्कुल, ये आसनसोल है, और फिलहाल अभी हम आसनसोल को बड़े ही स्लो स्पीड में स्किप कर रहे हैं। वैसे आसनसोल में बड़ी बड़ी ट्रेनें रुकती हैं, पर हमारी ट्रेन इस इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन को भी स्किप कर रही है। और स्टेशन क्रॉस करने के तुरंत बाद आपको आसनसोल लोको शेड दिखाई देगा। और यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो है ना वो खड़े हैं, चाहे वो गुड्स लोकोमोटिव हो, चाहे वो पैसेंजर लोकोमोटिव हो, जैसे कि WP4 हो गया, WP7 हो गया, और मुझे वहाँ पे बहुत सारे WP7 जो है वो दिख रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा इलेक्ट्रिक लोको शेड है ये, और वहाँ पे मुझे दूर एक WAM4 भी दिख रहा है, काफ़ी पुराना। तो ठीक 8 बजे अपना जो डिनर है वो सब हो चुका है। वैसे आपको ये प्लेट जो है वो मिल जाती है, वो आपकी मर्ज़ी है कि आप इसमें खाओ या ना खाओ, लेकिन मैं इसको रखता हूँ साइड में। और ये मैंने पहले से खोल के सब कुछ रख दिया है। ये आज की स्पेशल डिश बोल सकते हैं, मतलब ये मिलती नहीं है, पर हमने बोला कि हमें जो भुजिया है वो चाहिए, तो भैया ने भिंडी और आलू की जो भुजिया है वो बनाई है। और ये पनीर है, जो कि नॉर्मली अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको फर्स्ट क्लास में यही मिलने वाला है। और दाल जो कि देखने में तो काफ़ी अच्छी लग रही है, टेस्ट कैसा होता है वो देखते हैं। बिल्कुल सादा है, बिल्कुल मतलब बोल सकते हैं कि बिल्कुल इसको खा करके घर की जो सब्ज़ी है ना उसकी याद आ रही है, तो काफ़ी बढ़िया बनाया गया इसको। मटर पनीर भी अच्छी है, पर शायद मैंने इससे भी अच्छी मटर पनीर जो है वो खाई हुई है, पर ओवरऑल अच्छा है। पटना तेज़ में मेरे को अच्छी लगी थी। अभी हाल ही मैंने पटना तेज में यात्रा किया था, उसमें अलग से मुझे चोखा मिला था, बाकी उसकी जो पनीर थी ना वो काफ़ी बढ़िया था, और दाल इसका काफ़ी अच्छा लग रहा है। बिल्कुल घर की तरह खाना है ये, यही चीज़ अच्छी लगती है फर्स्ट क्लास की, कि आपको खाना जो है ना अच्छा मिल जाता है इन कम्पेयर टू अदर क्लासेस। चलिए डिनर तो हो गया फिनिश, बाकी अब हम पहुँच रहे हैं अपने जर्नी के पहले हॉल्ट धनबाद पे। तो करीब 265 किलोमीटर के बाद हमारी ट्रेन जो है वो रुकने वाली है फाइनली। चलिए धनबाद का अराइवल जो है वो लेते हैं, और उसके बाद से कुछ बातें जो हैं वो करते हैं। एक चीज़ काफ़ी अच्छी है कि अगर ये तेजस वाले रेक्स होते ना, मतलब अगर डोर्स ऑटोमेटिकली बंद हो जाते, तो ये जो मज़ा है ना, मतलब जब स्टेशन आ रहा होता है तो आप गेट के पास चले जाते हो, ये चीज़ फील जो है वो नहीं कर पाते। तो हमारी इस दुरंतों का धनबाद पहुंचने का सही समय था 8:30, पर ट्रेन यहाँ अराउंड 5 मिनट पहले ही पहुंच चुकी है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी, दुरंतो है तो पंक्चुअल तो रहने वाली है, ये बात तो बिल्कुल तय है, और कई जगह तो बिफोर टाइम ही पहुंचेगी। और एक और चीज़ है, करीब 265 किलोमीटर के बाद हमारी ट्रेन जो है वो ना पहले हॉल्ट पे रुकी है, और अगर मैं बात करूँ सेकेंड हॉल्ट की ना, तो दूसरा हॉल्ट जो है वो सीधा दीनदयाल उपाध्याय में होने वाला है, यानी कि हमारी ट्रेन अभी जो है वो झारखंड में है, और इसका हॉल्ट सीधा बिहार छोड़ करके सीधा यूपी के अंदर होने वाला है, और वो भी 405 किलोमीटर के बाद। तो ये बहुत ही लंबा रन होने वाला है, नॉन स्टॉप ट्रेन चलने वाली है। और एक चीज़ है कि ट्रेन की साफ़ सफाई ना कंटिन्यूस हो रही है, अंदर से बाहर से ट्रेन को साफ रखने की कोशिश जो है वो की जा रही है, ये चीज़ मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव लगी इस तुरंतों की। चलिए ट्रेन आई तो बिफोर टाइम, लेकिन डिपार्चर एकदम शार्प 8:35 पर हो चुका है, और अब हमारी ट्रेन जो है वो नॉन स्टॉप 405 किलोमीटर चलने वाली है।
करीब रात के 10:30 बजे गया स्टेशन को हम स्किप करेंगे, वो एक मेजर स्किप होने वाला है इस जर्नी का, और बिहार का वो एक बड़ा स्टेशन है, तो जाहिर तौर पे वो मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद से थोड़ा रेस्ट करेंगे, और रेस्ट करने के बाद जब सुबह हमारी आंखें खुलेंगी तो हमारी ट्रेन पहुंच चुकी होगी कानपुर सेंट्रल, और कानपुर सेंट्रल के बाद ये ट्रेन एकदम तूफान की तरह चलती है और बहुत सारे ताबड़तोड़ एक्शन जो है ना वो देखने को मिलेंगे, तो बहुत ही मजा आने वाला। और एक और चीज, मैंने करीब 5 जर्नी की है बनारस नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस में, सिर्फ बस इस लालच में कि मुझे सियालदह दुरंतो के साथ जो पैरेलल रेस है वो देखने को मिल जाएगा। शायद से हम बनारस नई दिल्ली सुपरफास्ट को पैरेलल में ओवरटेक करें, पता नहीं, ये तो कभी हुआ नहीं मेरे साथ, लेकिन कल अगर लक अच्छा हुआ, भगवान ने साथ दिया, तो फिर ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। और अगर चीज़ देखने को मिल जाएगी तो मेरी वो 5 जर्नी जो मैंने की हुई है, जो कि 5 असफल जर्नीज थी, वो सफल हो जाएगी मेरी। मनमानी बस तुम तक, बातें बचकानी बस तुम तक, मेरे सुख दुख आते जाते सारे तो तक, तो तक, तो तक सोनिया, मेरी हर दुश्वारी बस तुम तक। तो फिलहाल अभी जो है वो फल्गु नदी को हम क्रॉस कर चुके हैं। रात के वक्त में बहुत ही दिक्कत होती है, मतलब फ़ोन बाहर निकालने में। अब सीधे आपको गया का जो स्किप है वो दिखाते हैं। गया से पटना दीनदयाल उपाध्याय, क्यूल और कोडरमा की तरफ लाइंस गई हुई हैं। भाई भी कुछ वीडियोग्राफी कर रहे थे वहाँ पे खड़े होकर के। कितनी मस्त बात है ना कि ट्रेन बिहार के इतने बड़े स्टेशन को स्किप कर रही है, जहाँ पे बड़ी बड़ी ट्रेनें जो हैं, बड़ी प्रीमियम ट्रेनें जो हैं वो रुकती हैं। और वैसे ट्रेन इतनी स्लो है ना कि कोई भी आराम से इसे बैठ सकता है। ओह वाह, ये स्टेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब काफ़ी सुधार हुआ है यहाँ पे ऐसा लग रहा है। चलिए, गया से अपना डिपार्चर जो है वो तो हो चुका है, हालांकि यहाँ पे अराइवल हुआ ही था, सीधे स्किप हुआ यहाँ पे। और अब जो है ना, अब करते हैं थोड़ा सा रेस्ट, क्योंकि वही रहेगा हमारे लिए बेस्ट। सुबह उठना है, और सुबह उठने के बाद से आपको पूरा सेक्शन जो है ना वो दिन के वक्त में दिखाना है, यानी कि कल सुबह 6 बजे लेकर के शाम के 6 बजे तक हम ट्रैवल करने वाले इस ट्रेन में। हालांकि एक पार्ट जो है मैं आपको सिर्फ दिल्ली तक ही दिखाऊंगा, कुछ पैरेलल ओवरटेक्स जो है वो देखने को मिलते हैं, यानी ये तो सुबह के वक्त में चलने वाला है। फिलहाल चलिए अभी रेस्ट करते हैं, और सीधा आपसे मिलते हैं सुबह के वक्त में, जो हमारी ट्रेन कानपुर सेंट्रल से डिपार्चर ले रही होगी या फिर कानपुर सेंट्रल में होगी। चलिए, सबसे अच्छी बात ये है कि अब एकदम पूरा कंप्लीट पेट्रोल, तकिया, सब कुछ आपको मिलना शुरू हो चुका है, तो कुछ भी घर से लाने की ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ा सोते हैं और सीधा आपसे मिलते हैं सुबह के वक्त में, जब हमारी ट्रेन कानपुर सेंट्रल से डिपार्चर ले रही होगी या फिर वहाँ पर पहुँच चुकी होगी। ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है। चलिए फाइनली सोते हैं। तो सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, और फिर से एक नए दिन की शुरुआत है इस हमारी दुरंतो एक्सप्रेस की जर्नी में। बस कुछ ही समय पहुंचने वाले हैं इटावा जंक्शन, वहाँ पर हमारी ट्रेन रुकने वाली नहीं है, स्किप करने वाली है। और एक और चीज़ है कि जिस चीज़ के लिए हम लोग प्लान कर रहे थे कि शायद मरुआडी और मगध का जो ओवरटेक है वो बिल्कुल पैरेलल में देखने को मिलेगा, वो चीज़ थोड़ी सी कम लग रही है उसकी उम्मीद, क्योंकि वो दोनों ही ट्रेन अराउंड 1 घंटे लेट है, तो हो सकता है शायद उनका जो ओवरटेक है वो अलीगढ़ के पहले ही हो जाए। अलीगढ़ के पहले करने का मतलब ये है कि अलीगढ़ के बाद अगर होता ना तो फिर पैरेलल में होता, और उसके पहले अगर होगा तो ज़ाहिर तौर पर कहीं लूप में खड़ी करके ही ओवरटेक उसका होगा, फिर तो थोड़ा सा बेकार लगेगा। बाकी कोई नहीं, अपनी चाय जो सुबह की है ना वो आ चुकी है, तो चाय पीते हैं और उसके बाद से आज के दिन की शुरुआत करते हैं। और अभी फिलहाल स्किप करने वाले हैं इटावा को, और एक बुरी खबर ये है कि जो हमारी बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस है वो निकल चुकी है इटावा से। Thank you.
चाय के लिए गर्म पानी बाद में दे रहा हूँ। हाँ ठीक। और जैसे ही ब्रेकफास्ट सर्व हुआ, टुंडला एस्केप हो रहा था, तो पहले वो दिखाना जरूरी था। और टुंडला जंक्शन से निकलते ही वंदे भारत एक्सप्रेस से हमारी मुलाकात हो गई। हाँ अभी तो बस जस्ट खोले, अच्छा लग रहा है देख करके, तो बाकी बताते हैं आपको कागज टेस्ट करके। अच्छा है लेकिन। तो आज के ब्रेकफास्ट में हमें मिला है कटलेट, जो कि थोड़ा सा यूनिक लग रहा है। बाकी वेजीज हैं, दो ब्रेड मिले हैं जिसके साथ आपको बटर जो है वो मिल जाता है, ज़रूरी है बटर। आप जैम भी यूज़ कर सकते हो, खा सकते हो। और कॉर्नफ्लेक्स है, कॉर्नफ्लेक्स के साथ दूध जो है ना वो मिल जाता है, और दूध इनका बिल्कुल वही पानी होता है, पर ठीक है कम से कम दूध तो है ना। और बहुत तेज़ धूप खिली हुई है, मतलब यहाँ बैठ करके ऐसा लग रहा है कि आप मतलब एसी बिल्कुल चल ही रही है। सबसे पहले ना कटलेट जो है वो टेस्ट करते हैं, बिना सॉस के मैं खाता हूँ। तो एक चीज़ तो है कि आजकल कटलेट का ये सीन हो गया कि कोई भी प्रीमियम ट्रेन में अगर आप कटलेट खा रहे हो, ऐसा लग रहा है कि वो बेस्ट है। अभी इसे इसको खाने के बाद लग रहा है कि इस ट्रेन का कटलेट जो है वो बहुत ही बढ़िया है। और बाकी एक दुख खबर ये है कि जो हमारी मगध एक्सप्रेस है वो कहीं पीछे छूट चुकी है, उसका ओवरटेक कहीं हो चुका है, कहीं हम आराम फरमा रहे थे और वो निकल चुकी है। बाकी बनारस नई दिल्ली सुपरफास्ट जो है ना वो अभी भी अलीगढ़ के पीछे है, तो चांसेस हैं कि उसका ओवरटेक देखने को मिल जाए, लेकिन एक चीज़ का दुख ये है कि मगध जो है वो पीछे रह गई। और एक चीज़ है कि बहुत देर से हमारी ट्रेन यहाँ पे खड़ी थी, और उस तरफ में अगर आपको दिखाऊँ तो पीछे बिल्कुल हमारी ट्रेन से चिपक कर खड़ी है रांची राजधानी, और रांची राजधानी के पीछे है डिब्रूगढ़ राजधानी। तो ये सारी ट्रेनें बैक टू बैक एक दूसरे के पीछे खड़ी हैं। तो आगे सियालदह राजधानी जो है वो खड़ी है, पता नहीं क्या दिक्कत है कि सारी जो ट्रेनें हैं वो ऐसे खड़ी हुई हैं। वैसे ये वाला ट्रैक जो है वो खाली है, थर्ड ट्रैक, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। और बहुत देर से ट्रेन यहाँ पे खड़ी थी, इसलिए सोचा कि थोड़ा चल के बाहर देखते हैं कि माजरा क्या है। और बाहर आने के बाद कुछ ये दिखा हमें। तो ये गई नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस, और अब हमारी ट्रेन भी यहाँ से निकल चुकी है, लेकिन बिल्कुल आगे पीछे ट्रेन्स हैं, पता नहीं ये क्या ही हो रहा है यहाँ पे। और इस थर्ड वाले ट्रैक पे और कोई गाड़ी तो नहीं आई, पर ये लोकल ज़रूर से आ गई, और अभी भी सारी गाड़ियाँ जो है वो आगे खड़ी है। करीब 10 बज चुके हैं और अभी भी हमारी ट्रेन जो है ना वो ऐसे ही रुकी हुई है, और आगे पीछे जितनी भी राजधानियाँ थी वो सब भी ऐसे ही रुक रुक के चल रही हैं। सबसे आगे हावड़ा राजधानी है, उसके बाद से सियालदह राजधानी है, फिर हमारी दुरंत है, और पीछे रांची राजधानी भी है। तो सब राजधानियाँ जो हैं वो एक लाइन से खड़ी हैं। और इधर अगर बात करें थर्ड लाइन की ना, तो यहाँ पे एक मेमू ट्रेन जो है ये निकल रही है, पता नहीं क्यों इसके मौज है। और बाकी बात करें रांची राजधानी की, तो ये आप देख सकते हो पीछे एक लोकोमोटिव आपको दिख रहा होगा, ये रांची राजधानी है जो कि खड़ी है वो भी। तो जैसा प्लान था बिल्कुल वैसा कुछ नहीं हो पा रहा है, मंडुआरे तो छोड़िए, हमारी ट्रेन को बिल्कुल रेंगते हुए चलना पड़ रहा है। तो टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा एक काम करते हैं, स्नान कर लेते हैं, क्योंकि राजधानी में ट्रैवल करने का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है ना कि इसमें आपको जो बाथरूम है वो मिल जाता है, जिसमें आप आराम से गर्म पानी या फिर ठंडे पानी से नहा सकते हो, तो ये चीज़ बड़ी अच्छी है। और वैसे भी आज की जर्नी जो है वो करीब शाम के 6 बजे तक चलने वाली है, और अगर और ट्रेन एड होती है तो शायद से
सात आठ बज सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। और बस मैं नहाने जाने ही वाला था कि देखा कि ट्रेन को थर्ड लाइन पे ले लिया गया, तो मुझे ये लगा कि शायद से कुछ स्पेशल देखने को मिल सकता है, इसलिए नहाने का प्लान जो है फ़िलहाल के लिए कैंसिल कर दिया मैंने। और अब देखते हैं कि कुछ अच्छा कुछ ताबड़तोड़ देखने को मिलता है या नहीं। तो फाइनली मैं हो गया हूँ नहा के बिल्कुल तैयार। ट्रैक पे काम चल रहा था जिस कारण से सारी ट्रेनें जो थी ना वो लेट चल रही हैं। बाकी चलिए दादरी जो है वो पहुँचने वाले हैं हम, और ट्रेन बिल्कुल अपने रफ्तार में चल रही है, 130 की रफ्तार में चल रही है ट्रेन। और ऐसे में दादरी का स्क्रिप्ट दिखाना बहुत जरूरी रहता है। और जिस टाइम पे ट्रेन को दिल्ली से आगे होना चाहिए था, अभी हमारी ट्रेन गाज़ियाबाद को स्किप कर रही है। तो आज भी कोई पैरेलल एक्शन देखने को नहीं मिला, तो सोचा इस गुड ट्रेन के साथ ही थोड़ा पैरेलल ओवरटेक रिकॉर्ड कर लूँ मन की शांति के लिए, क्योंकि अपनी बनारस नई दिल्ली तो बिल्कुल राजधानी बन चुकी है, किसी के लिए रुकती ही नहीं वो। तो दिल्ली पहुंचने वाले हैं, पर दिल्ली पहुंचने से पहले अपना सूप जो है वो आ चुका है। और लंच कब तक सर्व होगा फिर? एक घंटे बाद। चलिए इसी पे रख दो, इसी पे रख दो। तो ये है सूप, फिलहाल छोड़िए सूप को, छोड़ते हैं। अभी दिल्ली में अराइवल अपना हो रहा है, तो वो अराइवल लेते हैं। और दिल्ली में एक और चीज़ होने वाला है, वो स्पेशल चीज़ क्या है उसका थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको, पर उससे पहले दिल्ली का अराइवल जो है वो आप देखिए। बिहार संपर्क क्रांति, और सामने जो आप तेजस के रेक्स देख रहे हो ना, ये वंदे भारत के रेक्स है एग्जैक्टली, मतलब जो हमारी कटरा वंदे भारत है ये उसके रेक्स हैं। तो वक्त हो चुके हैं करीब दोपहर के 12:30, और अब जा कर के पहुँच रहे हैं हम नई दिल्ली। वैसे इस ट्रेन का टाइमिंग यहाँ पहुँचने का करीब 11 का था, पर ट्रेन ऑलमोस्ट 1.5 घंटे यहाँ पर लेट हो चुकी है। और एक और चीज़ है कि कुछ महीने पहले इस ट्रेन का हॉल्ट यहीं होता था, मतलब यही लास्ट स्टॉप था इसका, लेकिन अब ये ट्रेन जो है वो यहाँ से बीकानेर की तरफ जाती है। और जिस स्पेशल चीज़ की मैं बात कर रहा था आपसे कि यहाँ से जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव वो चेंज होगा अब डीजल में, यानी कि यहाँ से बीकानेर तक पूरा आपको डीजल रन जो है वो देखने को मिलने वाला है। तो चलिए फिलहाल इस पार्ट में इतना ही, बाकी नेक्स्ट पार्ट यानी कि जब हमारी ट्रेन पूरा अब डीजल में चलने वाली होगी, यानी कि अब यहाँ से बीकानेर तक की जर्नी जो है ना वो मैं आपको सेकंड पार्ट में दिखाऊंगा। फिलहाल इस पार्ट में सिर्फ इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और हाँ, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करें तो आप मुझे वहाँ फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पर अपने आने वाली जर्नीज की जो अपडेट होती हैं वो शेयर करते रहता हूँ।